भिंड जिले के लहार थाना प्रभारी विजय तोमर को चंबल डीआईजी राजेश हिंगलकर द्वारा रेत के अवैध उत्खनन मामले में निलंबित किए जाने पर छलका दर्द। थाना प्रभारी विजय तोमर ने बताया कि मेरी लहार थाना प्रभारी के पद पर कुछ दिन पहले ही नियुक्ति हुई थी और लहार क्षेत्र में जिस रेत भंडारण मामले में मुझे डीआईजी महोदय द्वारा निलंबित किया गया है वो रेत मेरे लहार थाना प्रभारी के पद पर नियुक्त होने के पहले का है। निलंबित लहार नवागत थाना प्रभारी विजय तोमर ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इस मामले की जांच की जाए, यदि मैं दोषी पाया जाता हूं, तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, मैं अपील भी नहीं करूंगा। मेरे आने से पहले का था, लॉकडाउन लगा उसके पहले का था। अगर मेरी जरा सी संलिप्तता पाई जाए इसमें कि मैंने उत्खनन करवाया है, भंडारण करवाया या गलत परिवहन करवाया, तो बारीकी से जांच की जाए बिल्कुल सही तरीके से। अगर मैं जरा सा भी दोषी पाया जाऊं तो बिल्कुल विभाग मुझे बर्खास्त कर दे, मैं अपील तक नहीं करूंगा। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।